जनपद में कलेक्ट्रेट में स्थित ई डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में IGRS पर आई शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि IGRS पर आई शिकायतों के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है, जिसमें कर्मचारी कंप्यूटर पर बैठकर IGRS पर आई शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारी गांव के प्रधान जनप्रतिनिधियों से बात करके गांव में बैठकर जो सेवाएं दी जाती हैं उनको बताते हैं। वो चाहे किसी का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जमीन संबंधित मामले हों, थाना संबंधित हो या विकास की योजनाओं के समस्याओं के निस्तारण की बात हो, उसको दूर किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है तो वह कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उनकी समस्याओं का शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा और इस नंबर को स्कूल भवन, पंचायत भवन या अन्य जगहों पर नंबर अंकित किया जाएगा, जिससे IGRS पर आई शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि IGRS पर आई शिकायतों के निस्तारण में कहीं पर भी अनियमितता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कंट्रोल रूम सक्रिय है। हम लोग लगातार इसमें संपर्क कर रहे हैं हमारे ग्राम स्तरीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों से, प्रधानों से, ताकि हमारे कर्मचारीगण गांव में बैठें, अपने रोस्टर के अनुसार लोगों को सेवाएं दें। जितनी भी हमारी सेवाएं, करीब 200 से अधिक सेवाएं ग्राम स्तर पे नगरीय निकायों में दी जाती हैं, चाहे वो आय जाति निवास प्रमाण पत्र हो, विरासत हो, जमीन संबंधित मामले हों, थाना संबंधित मामले हों या विकास की योजनाओं में आच्छादन की बात हो, उसमें जोड़ने के लिए, और अगर कहीं शिथिलता मिलती है, अनियमितता मिलती है, योजनाओं में आच्छादन में कमी मिलती है, जानकारी के अभाव है, उसके लिए भी हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क करने के लिए लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। हर एक पंचायत भवन में, स्कूल के बिल्डिंग में, शासकीय भवनों में ये नंबर अंकित किया जाएगा। IGRS में जो भी शिकायत दर्ज की जा रही है उसका फीडबैक लिया जा रहा है और फील्ड में भेज के स्वतंत्र रूप से चेकिंग भी किया जा रहा है, और अगर कहीं ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर गलतियाँ होती हैं, शिथिलता या अनियमितता बरती जाती है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कार्रवाई हो जाए।